खुज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खुज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स जहां आप जाने की गलती कभी ना करना। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, लेकिन कौन कौन से हैं ऐसे खतरनाक 5 रेलवे ट्रैक्स, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन भी सबसे पहले प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से सभी ने कभी ना कभी ट्रेन का सफर जरूर किया होगा और आप ये भी जानते होंगे कि हमारा आधुनिक विज्ञान रेल सफर की ज्यादा से ज्यादा आरामदेह और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और तेज गति से काम कर रहा है। लेकिन अलग अलग जगहों पर ऐसे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं जिन पर सफर करना खुद को मौत की दावत देने के समान है। ये रेलवे ट्रैक्स इतने दुर्गम रास्तों से होकर गुजरते हैं कि एक चूक भी हुई तो मौत का कारण बन सकती है। आज के हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेंजरस ट्रैक्स बताएंगे जो आपको चौंका देंगे। इनमें सबसे पहले है नेपियर गिस्बोन। अगर आपको ये कहें कि दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा भी है जहां एक पूरी की पूरी ट्रेन रोज, वह भी हवाई पट्टी पर चलती है, तो क्या आप इस बात का यकीन करेंगे? न्यूजीलैंड के नेपोर को गिस्बो से जोड़ने वाली रेलवे लाइन को गिस्बो रेलवे की हवाई पट्टी को क्रॉस करके गुजरना पड़ता है। हालांकि इस हवाई पट्टी को क्रॉस करने से पहले ट्रेन ड्राइवर को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अनुमति लेनी पड़ती है। ट्रेन के ड्राइवर या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हुई एक गलती तबाही का कारण बन सकती है। दूसरे रेलवे ट्रैक की हम बात करेंगे, उसका नाम है मैकलोंग रेलवे ट्रैक। ये महज एक 3.5 फीट का ट्रैक है जिसे मैकलोंग रेलवे मार्केट से गुजरना पड़ता है। दरअसल यहाँ का जो मार्केट है उसे रेलवे पटरी पर ही सजाया जाता है। जब भी कोई ट्रेन आती है तो लोग अपना सामान वहाँ से हटा देते हैं और ट्रेन जाने के बाद उस सामान को फिर उसी पटरी पर लगा देते हैं। इस ट्रेन के गुजरने का रास्ता इतना सकरा है कि ट्रेन के आते वक्त मार्केट में जो शेड्स भी लोग लगाते हैं वो भी हटा लेनी पड़ती हैं। मार्केट दुकानदारों या ट्रेन के ड्राइवर से एक छोटी सी भूल बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। अब बात करेंगे ट्रेन लास न्यूब्स की। इसे द ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन मार्ग 130 माइल्स लंबा है जो अर्जेंटीना के उस सबसे खतरनाक और दुर्गम जगहों से होकर गुजरता है जहां की आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में 27 साल का समय लगा और इन 27 सालों के लंबे निर्माण कार्यों के दौरान तकरीबन 400 मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस रेलवे लाइन का निर्माण इतना मुश्किल था कि जब इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था तो कई बार ऊंचाई ज्यादा होने के कारण काम कर रहे मजदूरों को चक्कर आ जाता था और 1921 से 1948 के कार्यकाल में 400 मजदूरों की गिरकर मौत हो गई। लेकिन इस ट्रेन की बदकिस्मती ये रही कि 27 साल और 400 लोगों की जान गंवाने के बाद ये निर्माण कार्य पूरा हो गया। ये अर्जेंटीना में है और इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण, यहाँ की जलवायु ठंडी होने के कारण इस रेलवे ट्रैक पर बेहद तेज ठंडी हवाएं आपको लगेंगी, जिसकी वजह से ट्रेन का ट्रैक पर पकड़ बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है और कई बार लोगों की जान चली जाती है। अब बात करेंगे बर्मा रेलवे की, जिसे डेथ रेलवे भी कहा जाता है। इस ट्रैक को डेथ रेलवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ट्रैक के निर्माण के वक्त लगभग 94,000 वर्कर्स की नदी में गिरने से मौत हो गई थी। ये रेलवे ट्रैक 400 किलोमीटर लंबा है और 415 किलोमीटर का रास्ता किसी डरावने सफर से कम नहीं है। इस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई काफी कम है और कई मोड़ों पर ऐसा लगता है मानो ट्रेन हवा में चल रही है। इस रेलवे ट्रैक को बेहद खतरनाक होने के कारण 1947 में बंद भी कर दिया है। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक रोमांचक विषयों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।